अब सभी लोगों ने जिंदगी में एक बार तो बुलेट चलाई ही होगी, और इस बाइक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वाइब्रेशंस। क्लासिक 350 से लेके पहले की बाइक्स में वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा हैं कि साइड मिरर से देखना भी बहुत मुश्किल है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे बुलेट में भारी मात्रा में वाइब्रेशंस क्यों आते हैं और क्या उन्हें वाकई कम किया जा सकता है या नहीं। इसे समझने से पहले हम जानते हैं कि वाइब्रेशंस इंजन से क्यों आते हैं। वाइब्रेशन एक तरह की एनर्जी है जो पैदा होती है जब दो पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होता है। अब इंजन में तो ढेर सारे पार्ट्स होते हैं जो इंजन के चलते वक्त काम करते हैं, साथ ही साथ इंजन स्ट्रोक्स की जोरदार आवाज भी वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। और क्योंकि हम एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं, इसलिए वाइब्रेशंस को मिटा पाना नामुमकिन है। वाइब्रेशंस को केवल दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे कहते हैं वाइब्रेशन डैम्पिंग। सभी बाइक्स में डैम्पिंग करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब सवाल आता है कि रॉयल एनफील्ड बाइक्स में ये डैम्पिंग क्यों नहीं होती। इसका जवाब छिपा है बाइक के इंजन और चेसिस यानी फ्रेम में। अगर आपने रॉयल एनफील्ड की चेसिस देखी है तो फ्रेम के बीच में जगह रखी जाती है जहां इंजन को लगाया जाता है। अब इसे ध्यान से समझिए, बाइक में वाइब्रेशंस इंजन से ही तैयार होते हैं और डैम्पिंग करने के लिए वाइब्रेशंस को शॉक एब्जॉर्बर्स तक पहुंचना पड़ेगा। ये तभी मुमकिन है जब वाइब्रेशंस इंजन से होते हुए चेसिस पे ट्रांसफर होंगे, जहां से उन्हें शॉक एब्जॉर्बर्स डैम्प यानी कम करेंगे। अब क्योंकि इंजन को फ्रेम से डायरेक्टली जोड़ा जाता है तो ये वाइब्रेशंस फ्रेम में ट्रांसफर होने की वजह फ्रेम को ही वाइब्रेट कराने लगती है, जिसकी वजह से पूरी तरह से डैम्पिंग नहीं हो पाती। ज्यादातर बाइक्स में क्रैडल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। बाइक की चेसिस कुछ ऐसी होती है और इंजन चेसिस के ऊपर माउंट किया जाता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस चेसिस से होते हुए शॉकर्स में डैम्प होते हैं। अब इसके बावजूद कई बाइक्स जैसे होंडा और यामाहा में बुलेट जैसे चेसिस का उपयोग किया जाता है, पर उन बाइक्स में वाइब्रेशंस क्यों नहीं आते। इसका जवाब जानने के लिए चलिए थोड़ी सी इंजीनियरिंग समझते हैं। यहाँ हमने एक ईट को स्प्रिंग से लटका रखा है। जब हम ईट को नीचे दबाते हैं तब स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी का संचार होता है। अब हम इसे छोड़ देते हैं। छोड़ते ही ईट उस समय के लिए ऊपर नीचे होने लगती है, या यूं कहे कि वाइब्रेट होने लगती है। इसे कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, जिसमें ईट नेचुरली बिना किसी दबाव के वाइब्रेट होती है। अब इसी सिद्धांत के चलते रॉयल एनफील्ड बाइक्स में वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। यहाँ ईट की जगह लेते हैं इंजन और स्प्रिंग की जगह लेते हैं फ्रेम। इन दोनों की अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है। अब ये है इंजन से आने वाली नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ये है फ्रेम की फ्रीक्वेंसी। इधर आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों लगभग सेम है, यानी कि ये दोनों इन फेज में है। इस तरह के वाइब्रेशंस जब मिलते हैं तब हमें आउटपुट ज्यादा वाइब्रेशन का मिलता है। यामाहा और एफसी जैसी बाइक्स की फ्रीक्वेंसी प्लॉट कुछ ऐसा होता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तब आउटपुट कम वाइब्रेशन का होता है। इस स्थिति को आउट ऑफ फेज सिचुएशन कहते हैं। बस यही एक मेन रीजन है जिसके चलते रॉयल एनफील्ड बाइक्स में ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो दावा करते हैं कि वे वाइब्रेशंस को कम कर सकते हैं, जैसे वाइब्रेशन रिडक्शन प्लेट, हैंडल बार वाइब्रेशन रिडक्शन रॉड इत्यादि। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्हें लगाने से आप बस आपकी बाइक की वेट बढ़ा रहे हैं। रॉयल एनफील्ड बाइक्स की वेट लगभग 200 केजीस होती है, और उनसे निर्मित वाइब्रेशंस को कम करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड शॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप ही बताएं कि एक छोटी सी प्लेट या फिर हैंडल बार पे रॉड लगा के कैसे वाइब्रेशंस कम हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।